हेलो स्टूडेंट्स, इजी एजुकेशन हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता है और समय समय पे आप सबको वैकेंसी का अपडेट्स देता रहेगा। तो आइए, आज का वैकेंसी जो हमारा अपडेट्स नया आया है वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर यानी NIT जालंधर से है। तो चलिए हम फटाफट एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख लेते हैं कि NIT जालंधर जो है हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कौन सी नई वैकेंसी का अपडेट्स लेके आया है। तो जो हमारी वैकेंसी का अपडेट्स है वो नॉन टीचिंग फैकल्टी के लिए है, तो इसको हम फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023/206/2023 दिया हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करते हैं, फिर डिटेल देखते हैं। एडवर्टाइज नंबर हमारा डाउनलोड हो चुका है। जो पहली पोस्ट की वैकेंसी यहाँ अपडेट्स आई हुई है टेक्निकल असिस्टेंट की है। यहाँ पे वैकेंसी वाइज पूरा डिटेल दिया हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट में बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी की एक पोस्ट दी हुई है, वो भी SC कैटेगरी के लिए, जबकि सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 3 पोस्ट दी हुई है। एक UR की है, एक ST की, एक EWS की। जो UR की पोस्ट है वो रिजर्वड है PWD कैंडिडेट के लिए, जबकि केमिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट दिया हुआ है, एक UR की, एक SC की। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की टोटल 4 पोस्ट है, एक UR की, 2 पोस्ट OBC की, एक SC की दी हुई है। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1 है, वो भी UR की रहेगी। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से 2 वैकेंसी, एक UR की, एक OBC की। थर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी, एक UR की, एक OBC की। फोर्थ जो वैकेंसी हमारी बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है, वो भी UR की रहेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी, एक UR की, एक OBC की है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी है, एक आपकी OBC की है जबकि एक EWS की है। वहीं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की 1 वैकेंसी है UR की, केमिस्ट्री से 1 वैकेंसी UR की, और फिजिक्स की 1 वैकेंसी। यानी टोटल अगर हम टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो 23 वैकेंसी दी हुई है। SAS असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ 1 वैकेंसी दी हुई है UR की। जूनियर इंजीनियर की बात करें सिविल इंजीनियरिंग में तो 2 वैकेंसी दी हुई है, एक UR, एक OBC की। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी दी हुई है, वो भी UR की। यहाँ पे भी डिप्लोमा प्लस BTech दोनों स्टूडेंट जो भी BTech किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारा सीनियर स्टेनोग्राफर की, यहाँ 2 वैकेंसी UR की दी हुई है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ 2 वैकेंसी यहाँ भी है UR के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी सीनियर असिस्टेंट की 6 वैकेंसी है, 5 UR की और 1 OBC की। सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ ब्रांच वाइज देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी दी हुई UR की। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी है, 2 UR की, 1 OBC की, जबकि 1 वैकेंसी हमारी SC में दी हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है 4 वैकेंसी, 2 वैकेंसी हमारी UR की, 1 OBC की, जबकि 1 EWS की दी हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी, वो भी UR की। अगला वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग सीनियर टेक्नीशियन में, वो OBC की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 1 है UR कैंडिडेट के लिए। यानी टोटल अगर सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो 13 वैकेंसी दी हुई है। यहाँ पे भी सीनियर टेक्नीशियन में भी डिप्लोमा प्लस BTech के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी टेक्नीशियन की है, जिसमें 10th लेवल से लेके डिप्लोमा तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल यहाँ पे आपका 3 यानी कि RS 21,700 रहने वाला है टेक्नीशियन में। बाकी ऐसे आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा सभी वैकेंसी का जो पे मैट्रिक्स है। बात करें टेक्नीशियन में बायोटेक्नोलॉजी की तो 2 वैकेंसी, एक UR की, एक OBC की दी हुई है। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग की है 2 वैकेंसी, एक UR की है, एक EWS की है, जबकि केमिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी, एक UR की, एक OBC की। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 6 वैकेंसी दी हुई है, 2 UR की, 2 OBC की, वो भी जिसमें से एक रिजर्व रहेगा PWD कैंडिडेट के लिए, एक ST की और एक EWS कैंडिडेट के लिए है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी है, एक UR की और एक SC कैंडिडेट के लिए रहेगा। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है, एक UR, एक OBC की। वहीं पे 3 वैकेंसी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, एक UR की, एक OBC की और एक SC कैंडिडेट के लिए है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी टेक्नीशियन के लिए दी है, एक UR की, एक OBC की। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, वो UR की पोस्ट के लिए रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी UR के लिए। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी, एक UR की, दूसरा SC की रहेगी। केमिस्ट्री की बात करें तो 1 वैकेंसी UR की। यानी टोटल अगर टेक्नीशियन की बात करें तो 26 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 13 वैकेंसी दिया हुआ है, जिसमें से 7 UR की रहेगी, 3 OBC की, 1 SC की, 1 ST की और 1 EWS की।
ऑफिस अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 16 वैकेंसी दिया हुआ है। 8 वैकेंसी UR के लिए रहेगा, 4 OBC के लिए, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए, जबकि 1 EWS के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 105 दी हुई है, जबकि यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो रिक्रूटमेंट रूल है वो 2019 की अप्लीकेबल है। जैसे MNIT में 2019 का अप्लीकेबल था, और सेम यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट रूल 2019 यहाँ पे अप्लीकेबल रहेगा। बात करें सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसके लिए आपको एनेक्चर 3rd एंड 4th देखना है, इसका वीडियो हम आपको अलग से बना के दे देंगे। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन रहता है वो यहाँ पे भी अप्लीकेबल रहेगा, वो एनेक्चर 5 में मिल जाएगा, उसका भी वीडियो हम अलग से आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट बात करें NIT जालंधर की, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो बच्चे एलिजिबल हैं वही अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको लेटर नंबर दे दिया है F35/5/2018, जो डेटेड 22/2019 का डेट दे दिया है। इन्होंने मेंशन कर दिया है कि इसके बेस पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे कोई खास एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका डिटेल हमने देख लिया है। बात करें अगर जो यहाँ पे एडहॉक या टेम्प्रोरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हैं उनको NOC की ज़रूरत पड़ेगी, और जो अप्लाई की एज लिमिट है जो सेम NIT जालंधर में काम कर रहे हैं तो उनके लिए 50 ईयर्स अप्लाइंग एज दे दिया गया है, जो एडहॉक वगैरह पे काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने जो फॉर्म का हमारा स्टार्टिंग डेट है फिलअप करने का वो जो फॉर्म का स्टार्ट डेट रहेगा हमारा वो 1 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो रही है, जबकि लास्ट डेट हमारा 1 मार्च 2023 रहेगा। हम सीधे अब बात कर लेते हैं अप्लीकेशन फ़ीस की, तो OBC UR और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ 1000 फीस रहने वाली है, जबकि वहीं SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट के लिए 500 फीस रहेगा, जबकि नेट बैंकिंग से आपका ये पेमेंट करना रहता है। आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पे नोट 1 2 दे दिया गया है, यहाँ पे जो आप एक बार फॉर्म भर देंगे वही फॉर्म आपका फाइनल मान लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो इसको आप लोग एक बार डिटेल में देख लीजिएगा कि आपको सर्टिफिकेट का कौन कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे लगेगा। ये नेक्स्ट वीडियो में जब हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आप वहाँ पे भी इसके बारे में हम मोटा मोटा जानकारी आपको दे देंगे। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है उसको आप रेडी रखिएगा, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो स्टूडेंट ये बॉक्स में दिखा दे रहे हैं, तो इसको आपको उस टाइम दिखाना पड़ेगा। NOC की रिक्वायरमेंट है जो PSU या सेमी गवर्नमेंट वगैरह में काम कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पे पार्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अदर क्राइटेरिया एज पर एडवर्टाइजमेंट ही होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने पॉइंट नंबर 5 में मेंशन कर दिया गया है। जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउड है, और सबके लिए आपको अलग से पेमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चे हैं जो 10th या इंटरमीडिएट पे, जैसे स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, तो जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं वो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा कि एक से अधिक आप अप्लाई करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें SC ST कैंडिडेट के लिए, तो एनेक्चर 6 दिया हुआ है उनको किस फॉर्मेट पर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि OBC कैंडिडेट के लिए जो नॉन क्रिमिलियर है उनके लिए भी एनेक्चर 6 में डिटेल दिया हुआ है किस टाइप का उनको फॉर्मेट यूज करना है OBC सर्टिफिकेट के लिए। EWS का क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है कि क्या क्या अगर उनके पास है तो EWS के कैंडिडेट में नहीं आएंगे। PWD के लिए भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब हमने वैकेंसी के बारे में मोटा मोटा सारा डिटेल्स आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। रही बात वैकेंसी की, तो आप लोग एक बार इसको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।